ये गठबंधन फालतू है। मायावती और अखिलेश यादव का गठबंधन हुआ है, कुछ नहीं होगा, हवा निकल जाएगी गठबंधन की, कुछ भी नहीं होगा। बसपा सपा का तो बढ़िया ही हुआ गठबंधन, ओनली बीजेपी मोदी yes. जो खाएगा और खिलाएगा वही सरकार ने चाहिए भाई। दो गुंडे आपस में लड़ते हैं तो वो दोनों एक हो जाते हैं कब, जब हीरो की एंट्री होती है, वही हाल यूपी में हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी और मैं आप सभी के साथ हूं ताना गुप्ता। आज हम बात करेंगे यूपी के लोग क्या सोचते हैं गठबंधन के बारे में, जो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन किया है। आइए जानते हैं लोगों से क्या राय है उनकी और किसको वोट देंगे वो 2019 लोकसभा चुनाव में। आप कहाँ से हो? यूपी से। जो गठबंधन हुआ है बसपा और सपा का, तो आप बताइए आप किसको समर्थन करते हैं? मोदी जी को। तो क्या कहेंगे गठबंधन के बारे में, क्यों हुआ है गठबंधन? ये तो नहीं मालूम मेरे को, लेकिन मोदी जी जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। आप बताइए योगी जी ने जो काम किया है आपके इलाके में, क्या वो काम कर रहे हैं? क्योंकि मायावती ने कल बयान दिया है कि सांप्रदायिक माहौल यूपी में, अब तो आप क्या कहेंगे कौन बंटवारा कर रहा है? ये बंटवारा तो मायावती कर रही है। कहाँ से हैं आप? अलीगढ़ से। आप बताइए क्या सोचते हैं आप गठबंधन के बारे में, क्यों हुआ है सपा और बसपा का गठबंधन? ये लोग चाहते हैं कि ऐसा हो मगर ऐसा होना नहीं चाहिए। गठबंधन कल हो चुका है, आप बताइए आप किसको समर्थन कर, किसको समर्थन देते हैं? बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को। हाँ। तो आपको क्या लग रहा है योगी जी की सरकार में काम हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा, काम हो रहा है। आप कहाँ से हैं? जौनपुर। तो आप बताइए क्या सोचते हैं आप अखिलेश और मायावती के गठबंधन के बारे में? ये गठबंधन फालतू है। फालतू है, क्यों फालतू है? फालतू इसलिए है क्योंकि दोनों का पिटारा बंद हो चुका है कमाई का, इसलिए उन्होंने अपना गठबंधन किया है। कल योगी जी ने बयान दिया है कि ये गठबंधन मायावती और अखिलेश यादव ने इसलिए किया है क्योंकि वो अपना वजूद बचा रहे हैं, तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में? उन्होंने सही कहा, वो वजूद बचाने के लिए कहा, जैसे फिल्मों में होता है जब दो गुंडे आपस में लड़ते हैं तो वो दोनों एक हो जाते हैं कब, जब हीरो की एंट्री होती है, वही हाल यूपी में हुआ है। तो आप बताइए जो मायावती ने कल बयान दिया कि इमरजेंसी जैसा माहौल है यूपी में, अब बिना बोले इमरजेंसी माहौल है, तो अब क्या कहेंगे, क्या इमरजेंसी जैसा माहौल है? इमरजेंसी जैसा माहौल कुछ भी नहीं है, अगर इमरजेंसी जैसा माहौल होता तो देश छोड़ के भाग गए होते। आपको क्या लग रहा है यूपी सरकार काम कर रही है? यूपी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, योगी भी कर रहे हैं, मोदी भी कर रहे हैं। नमो अगेन। मतलब आपने पहले ही बोल दिया कि 2019 में आप किसको वोट देंगे? नमो अगेन। ओके, आपका कहाँ से हैं आप? तो उत्तर प्रदेश से। बताइए आप क्या सोचते हैं गठबंधन के बारे में? मैम देखिए, ये तो राजनीति है, गठबंधन तो अभी फिलहाल मायावती और अखिलेश का अटूट अभी गठबंधन होगा, इससे पहले तो दोनों अलग अलग थे। लोगों को राजनीति बनाना है तो अपनी तरीके से लोग ये सोचते हैं कि बीजेपी को हराना है तो गठबंधन बना के चलना है। तो मतलब आप मानते हैं कि ये डर बंधन है ना कि गठबंधन? ये तो होना ही है क्योंकि बीजेपी जैसे काम कर रही, कल को अगर सपा आ जाएगी वो काम करेगी तो बीजेपी सोचेगी हमें बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके रहना है। आप किसको 2019 लोकसभा चुनाव में समर्थन देते हैं? मैम ये तो आने वाला वक्त बताएगा, अभी इसमें कुछ समर्थन और समर्थन की कोई बात ही नहीं होती। तो आप क्या सोचते हैं कि लाइक क्या है, डर बंधन है या गठबंधन है? डर ही की वजह से लोग गठबंधन कर ही रहे हैं, क्योंकि मैम मान लीजिए अगर बीजेपी आती है, अगर कल को कांग्रेस आ जाती है या बहुजन समाजवादी पार्टी आ जाती है तो फिर सपा सोचेगी कि हमें बीजेपी की तरफ मिलकर चलना है, या बीजेपी भी सोचेगी हमें सपा से मिलकर रहना है। 2014 में आपने किसको वोट दिया था? बीजेपी को। जी हाँ। क्या उम्मीद है अब 2019 में, क्या लग रहा है आपको किसको वोट देंगे तब? हमारी तरफ जैसा काम हो रहा है उस हिसाब से तो हमें लग रहा है कि हमें बीजेपी को ही वोट देना चाहिए। कहाँ से हैं आप? मैं गढ़मुक्तेश्वर से। जी ठीक है, आज आप बताइए कि आप ये सपा और बसपा का जो गठबंधन हुआ है इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? ठीक हुआ है लगभग। ठीक हुआ है। हाँ बढ़िया हुआ। समर्थन देंगे आप? अभी तो योगी सरकार ठीक ही चली है। आप किसको देंगे, गठबंधन को चुनेंगे या फिर चुनेंगे मोदी सरकार को? नहीं, मोदी सरकार भी ठीक ही है, अभी फिलहाल तो सही काम करा रही है और बढ़िया से है एकदम। कल योगी जी ने बयान दिया था कि ये डर बंधन, कल मोदी जी ने बोला था कि ये मजबूर सरकार है और हम मजबूत हैं, तो क्या सोचते हैं आप इस बारे में? मजबूत तो है ही है वैसे, और सब ठीक ही है लगभग। क्या लग रहा है, बीजेपी काम कर रही है? कर रही है, काम कर रही है। तो क्या उम्मीद है आपको 2014 में, आपने किसको वोट दिया था? देखो यूपी से जिनको ही दिया था, फूल वालों को ही। अच्छा। बाकी मोदी बीजेपी की तो दिया था। और आप क्या उम्मीद है आपको और किस पार्टी से ज्यादा उम्मीद है आपको? लगभग इसी से, बीजेपी से ज्यादा उम्मीद है। कहाँ से हैं आप? हम जिला एटा से।
आज हम बात कर रहे हैं कि सपा बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन हुआ है, तो आप क्या सोचते हैं इस गठबंधन के बारे में, क्यों हुआ है गठबंधन? गठबंधन हुआ तो गठबंधन उम्मीद है कि सफल हो सकते हैं, बीजेपी वाले अगर प्रयास नहीं करेंगे तो। बीजेपी वाले, आप बताइए 2014 में आपने किसको वोट दिया था? बीजेपी को दिया था। 2019 में किसको देने की उम्मीद है? अब तो समय बताएगा, अभी टाइम है, अभी टाइम है। हा? तो आपको क्या लग रहा है, कल मायावती जी ने बयान दिया था कि बिना बोले इमरजेंसी जैसा माहौल है उत्तर प्रदेश में, तो आप क्या उनसे बोलेंगे कि आप उस बात से एग्री होते हैं? मायावती भी तो माया जाल में फंस गई थी, वो माया के चक्कर में। तो आप क्या बोलते हैं, आप किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे 2019 में? प्रधानमंत्री के रूप में तो और कोई ऐसा है नहीं, अब जब नरेंद्र मोदी के अलावा, लेकिन राजकीय में नहीं आ पाएंगे। अच्छा, ये नहीं आ पाएंगे राजकीय में, नहीं आ पाएंगे। ठीक है, शुक्रिया। आप कहाँ से हैं? यूपी से। यूपी से। आज हम बात कर रहे हैं गठबंधन के बारे में, तो आप किसको समर्थन देंगे 2019 लोकसभा चुनाव में? हम तो सपा को करेंगे या बसपा को करेंगे। तो आप गठबंधन से खुश हैं? आपको क्या लगता है क्यों हुआ है गठबंधन? गठबंधन तो सही हुआ है, अब यूपी में मतलब बिजली का बिल है कुआ का, सारा 1500 रुपये है, अनाज है किसान का वो मंदा जाता है, तो ऐसा ही है। तो आप प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहेंगे, अखिलेश यादव या मायावती? जो भी आवे केंद्र में तो यार वो आएगी कहना कांग्रेस ही, राहुल जी आएंगे और कौन आएगा केंद्र में? आप बोलते राहुल जी आएंगे। तो आप बताइए सपा और बसपा ने कांग्रेस को क्यों नहीं लिया गठबंधन पे, और उन्होंने कल बयान दिया है कि कांग्रेस मजबूत नहीं है यूपी में? अब ये तो पता नहीं कैसे नहीं है। आप 2014 में किसको वोट दिया था और 2019 में किससे उम्मीद है? अब तो या तो देंगे मायावती को या देंगे अखिलेश को। मायावती और अखिलेश यादव ने गठबंधन कर लिया, तो एक को ही वोट जाएगा? जाएगा, किसी को भी जाए। तो आपको क्या लगता है कि सांप्रदायिक माहौल में बंटवारा हो रहा है यूपी में भाजपा की सरकार में? अब ऐसा तो पता नहीं क्या हुआ। आप कहाँ से? यूपी से। आप बताइए आप किसको समर्थन देंगे? हम कांग्रेस को। कांग्रेस को। आप क्या सोचते हैं कि बसपा और सपा ने कांग्रेस को क्यों नहीं लिया है साथ में गठबंधन के? चीज को नहीं बता सकते क्योंकि इस चीज का अभी मालूम नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं कि कांग्रेस आए, कांग्रेस गरीबों को साथ दी है। कांग्रेस गरीबों को साथ दे। हाँ, अखिलेश यादव ने कल बयान दिया है कि कांग्रेस मजबूत नहीं है उत्तर प्रदेश में, तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्यों मजबूत, क्यों नहीं मजबूत? तो है पहले कितना काम किया कांग्रेस ने, कांग्रेस केंद्र में आके कितना काम किया, दिल्ली के अंदर में हर जगह कांग्रेस ने काम किया, एमपी में कितना काम किया है। तो आप क्या सोचते हैं अकेले कांग्रेस सबके छक्के छुड़ा देगी? ऐसा नहीं सोचा, बाकी हम चाहते हैं कभी जो काम अच्छा कर वो सरकार आए तो अच्छा है, बात है सबके लिए, गरीबों का भला हो। ठीक है, तो आपको, आपने 2014 में किसको वोट दिया था? कांग्रेस को ही दिया था। हाँ। और 2019 में किसे देंगे और किससे उम्मीद है? कांग्रेस को ही देंगे। कांग्रेस को ही देंगे। हाँ जी। क्या आपको लगता है राहुल गांधी इतना सारा कार्यभार संभालने लायक है? संभालने को क्यों नहीं संभाल सकता है, संभालना चाहे तो क्यों नहीं संभाल सकता, जैसे मोदी जी ने बताया संभाला तो वो भी संभाल सकते हैं, बाकी मोदी जी ने गरीबों के लिए हटा दिया, गरीब ही नहीं हटाई, गरीब को ही हटा दिया। अच्छा, आपको ये लगता है कि मोदी जी ने गरीब को हटा दिया? जो नोटबंदी GST से और किसानों के लिए वो काम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? वो तो अच्छा किया उन्होंने, जो काम किया वो अच्छा किया, बाकी रोड पे मतलब दो दाल रोटी कमाते थे, दो पे छोटे बिजनेस करते थे, वो तो परेशान हो गए ना। ठीक है, ओके। आप कहाँ से? बुलंद सर, यूपी। आप क्या सोचते हैं गठबंधन के बारे में, जो मायावती और अखिलेश यादव का गठबंधन हुआ है? कुछ नहीं होगा, हवा निकल जाएगी गठबंधन की, कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, आप ये बोलते हैं हवा निकल जाएगी, तो आपको क्या लगता है मजबूत सरकार और मजबूर सरकार कौन सी है अब? मजबूत सरकार मोदी सरकार है। मोदी सरकार है। कल मायावती जी ने बयान दिया था कि यूपी में अब सांप्रदायिक माहौल में, मतलब जो सांप्रदायिक माहौल नहीं रहा है, सांप्रदायिकता के अकॉर्डिंग लेके जातवाद को लेके बंटवारा किया जा रहा है, तो आप इस बात से एग्री होते हैं? नो, गलत बात है, कुछ नहीं है ऐसा, नहीं है। 2014 में आपने किसको वोट दिया था और 2019 में किससे उम्मीद है? पहले मोदी को दिया था, अभी मोदी को ही देंगे, कुछ नहीं होने वाला गठबंधन का, मोदी सरकार आएगी, आप लिख लीजिए मोदी आएगा। आप कहाँ से हैं? बरेली, यूपी। आप बताइए कि आप गठबंधन के बारे में क्या सोचते हैं मायावती और अखिलेश यादव का के बारे में? मैडम जिस हिसाब से 5 साल गए हैं उसके हिसाब से तो बिना गठबंधन के भी बीजेपी हार जाएगी। अरे काका, बहुत बुरे हालात हैं, धंधे वाले समझ सकते हैं कि क्या धंधे के हाथ है। हाँ, बीजेपी को वोट देना मतलब कि पाप है अब। ठीक है, तो आपको क्या लगता है गठबंधन में आप मतलब मायावती या अखिलेश यादव किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? मायावती, मायावती ज़्यादा बेहतर है। मायावती जी ने कल बयान दिया है कि सांप्रदायिक माहौल है अब,
भाजपा की सरकार में उत्तर प्रदेश में, तो आप क्या इस बात से एग्री होते हैं, सिर्फ धंधे को लेके आप बोलेंगे कि मायावती को वोट देंगे? मैडम यहाँ जितने लोग हैं सब बता सकते हैं कि 5 साल के अंदर क्या माहौल रहा है, 4.5 साल 5 साल बहुत बुरे हैं, सभी परेशान हैं और हर जगह जाते जाते आज टोपी और तिलक वाले बहुत अलग अलग बहुत दूर हो गए हैं, हम लोग के धंधे बंद हो गए हैं, नौकरियाँ चली गई हैं, काम खत्म हो गया। आप कहाँ से हैं? हम तो आजमगढ़ से हैं जी। आप बताइए आप किसको क्या सोचते हैं गठबंधन के बारे में और किसको वोट देंगे 2019 लोकसभा चुनाव में? तो लोकसभा में हाथी को ही वोट देंगे लोकसभा में, और बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना जी। क्यों, आपको क्या लगता है वो क्या काम करने वाली हैं या क्या सोचते हैं आप उनके बारे में? मतलब उन्हें मुख्यमंत्री इसके पहले भी उत्तर प्रदेश में रही हैं, जैसा माहौल रहा है उसको देखते हुए वोट हम, वो भी तो 40 पार्टी उस गठबंधन किए हैं, तो इस गठबंधन से क्या दिक्कत है? 42 पार्टी से हाँ 40 पार्टी से उन्होंने खुद किया है। अच्छा, तो आप क्या बोलते हैं कि मतलब भाजपा की सरकार में काम नहीं हो रहा है? मेरे हिसाब से तो काम नहीं हो रहा है, एनकाउंटर ठीक तरह से नहीं हो रहा, ईमानदारी से, अगर ईमानदारी से एनकाउंटर होते तो गुंडागर्दी खत्म हो जाती। गुंडा राज खत्म नहीं हुआ है? नहीं, गुंडा राज खत्म नहीं, बहुत ही करप्शन। आप किसको वोट देंगे, मतलब गठबंधन को या फिर भाजपा सरकार को? गठबंधन को। क्या सोचते हैं गठबंधन के बारे में, क्यों हुआ है ये गठबंधन? गठबंधन क्यों हुआ है, क्यों होता है, जैसे इन्होंने बीजेपी पालन कराया ऐसे क्या है? ओनली बीजेपी, मोदी, भाजपा सरकार काम कर रही है उत्तर प्रदेश में। वेरी गुड, इस वर्क इज वेरी गुड, इतना अच्छा काम आज तक किसी ने नहीं किया है जितना अच्छा काम मोदी जी ने किया। क्या नहीं किया, उज्ज्वला योजना पूरे गांव तक हर एक औरतों को, मैं गांव में रहता हूं, गांव से भी आता हूं, यहां पढ़ाई कर रहा हूं, मैं गांव से आता हूं, वहां तक हर एक औरत के हर एक घर में उज्ज्वला योजना पहुंचा है, हर एक किसानों का खाता खुला है, किसान को 1.5 गुनी और वो आय दी जा रही है उसकी, और क्या चाहिए, हर किसी को तो यही चाहिए। अगर उनके पीछे लग जाओ तो वो तो यही बोलेंगे इमरजेंसी उनके लिए लग गई है, उनके लिए तो इमरजेंसी है, लेकिन अगर यहाँ पे गुंडा राज देखा जाए तो बहुत गुंडे आजकल डरे हुए हैं योगी जी से, बिल्कुल डरे हुए हैं। 2014 में आपने किसको वोट दिया था और 2019 में किसको देंगे? 2014 में मोदी को दिया था, 2019 में मोदी को देंगे, 2024 में मोदी को ही देंगे। ये भाजपा वाले तो अपनी वो जो कर रहे हैं अपने लिए सही कर रहे हैं, देश के लिए भी और जनता के लिए भी, पर गठबंधन में कोई वो नहीं है, हमें तो इन पर भरोसा है नहीं, ये तो गठबंधन हो गया, ये गठबंधन क्या हो गया, तो गठबंधन कर रहे हैं। 2014 में आपने किसको वोट दिया था और 2019 में आप किसको वोट देंगे? पहले मोदी को दिया, अब भी मोदी को देंगे, अभी तक तो काम बढ़िया कर रही है, आगे के लिए और भी देखो क्या करती है। पवन, कहाँ से आप? गोरखपुर। आप बताइए कि आप गठबंधन के बारे में क्या सोचते हैं? गठबंधन ये हुआ है जो बीजेपी को हराने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, ऐसा कुछ होने वाला कुछ नहीं। तो आपको 2014 में आपने किससे वोट दिया, 2019 में किससे उम्मीद है? मैं शुरू से आज तक भाजपा की वोट दिया हूँ, भाजपा को, और नरेंद्र मोदी हमारे प्रिय नेता हैं, पूरा गुंडा राज खत्म हो गया हमारे गोरखपुर में, पूरा चेंजिंग हो गया गोरखपुर। क्या सोचती है कि जो एक गठबंधन की राजनीति हुई है, अगर ये जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, इनका खाता भी खुलेगा या नहीं? जीतेंगे ही नहीं, अब बात कर रही है जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, जीतेंगे ही नहीं, जीतेंगे ही नहीं। गोरखपुर सपा और बसपा का भाजपा को हराने के लिए गठबंधन हुआ, और किस लिए हुआ है? ठीक है, तो आपको क्या लगता है, क्या हरा पाएंगे? नहीं हरा पाएंगे, कभी नहीं, कभी नहीं हरा पाएंगे। योगी सरकार बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा काम कर रही है, देख रहे हैं प्रयाग में कुंभ, देखिए कुंभ को इतना पॉपुलर बना दी योगी सरकार, इसके पहले कोई सरकार बनाई थी कुंभ को कौन जानता था इसके पहले? तो 2014 में आपने किसे? भाजपा को वोट देंगे, और कौन बनेगा प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी जी। मैम गठबंधन से कुछ नहीं होएगा, और बीजेपी की सरकार प्रधानमंत्री लोगों के साथ है, मायावती को हम वोट देंगे, हर 15 साल से देते आ रहे हैं मायावती को वोट, जनता पार्टी की हार निश्चित है, मोदी जाएगा, अच्छे दिन आने वाले, मोदी जी जाने वाले। हम बुलंदशहर से हैं जी। बुलंदशहर से क्या सोचते हैं आप गठबंधन के बारे में, क्या है, क्यों किया है मायावती और अखिलेश यादव ने गठबंधन? गठबंधन उन्होंने अपना अस्तित्व बचाने के लिए किया, ना कि जनता के लिए। तो आपको क्या लगता है, ये अपना जो योगी जी ने बयान दिया था कल कि अपने वजूद बचाने के लिए उन्होंने लिया है, ठीक दिया है, बिल्कुल सही बयान दे रहे हैं, जो देश के लिए काम करेगा उसको वोट देंगे। लेकिन हमारी मोदी जी से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे किसान भाइयों का जो है 2 लाख तक का केसीसी कृषि ऋण माफ करे, तब एकदम देखें फिर एक तरफा सरकार मोदी जी की आएगी, और लोग इंतजार में बैठे हुए हैं किसान लोग जो है। 2014 में आपने किसे वोट दिया, 2019 में किसे देंगे और क्या उम्मीद है? 2014 में भी हमने मोदी जी को ही वोट किया था, और अब भी मोदी जी को ही वोट करेंगे। मोदी जी ने थोड़े टाइम पहले रैली में ये बयान दिया था कि वो कृषि को मजबूत करें, ना कि उनका कर्जा माफ करें, वो उनको मजबूत करने का काम कर रहे हैं।
तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में? नहीं, मजबूत करें, कुछ अच्छा करें किसानों के लिए। भाई गरीब आदमी भी हैं, अभी आरक्षण दिया है 10%। कुछ ऐसा ही करें जो गरीब लोग हैं बेचारे, 4 बीघा 6 बीघा जमीन वाले हैं, कोई आमदन का जरिया भी नहीं है। कांग्रेस मायावती और अखिलेश एक क्षेत्रीय पार्टी हैं दोनों, इनका कोई और स्टेट में वजूद नहीं है। और कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, वो अकेले अगर चुनाव लड़े तो ही अच्छा है। हाँ जी, टाइम लगेगा बनने में, ऐसा नहीं है कि अखिलेश या मायावती उनसे आगे। 2019 में आप किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखेंगे? देखेंगे जी मोदी जी को ही, मेरठ से। क्या सोचते हैं गठबंधन के बारे में जो जो बसपा और सपा का हुआ है? बसपा सपा का तो बढ़िया ही हुआ गठबंधन। हाँ, क्या बीजेपी को मात दे पाएगा ये गठबंधन? बिल्कुल दे पाएगा। मैं तो दोनों को सपोर्ट करूँगा। तो आप प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहेंगे? राहुल गांधी को। हाँ। तो आपको क्या लगता है कांग्रेस को क्यों नहीं जोड़ा है इस गठबंधन से? यू तो बस जैसा भी मामला है, यूपी की राजनीति अलग ही आ रही है, क्योंकि कल अखिलेश यादव ने बयान दिया है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बिल्कुल मजबूत नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने साथ जोड़ा ही नहीं है। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? पिछली बार जो मामला वैसे ही हो गया था, कांग्रेस का किसी ने वोट ना दी थी कांग्रेस के, इसको अब क्या तो इन्हें दोनों को देंगे। किन दोनों को देंगे? आप एक ही वोट दे सकते हैं, दो वोट नहीं दे सकते। और आप गठबंधन को देंगे कांग्रेस को या भाजपा को? जब दोनों का गठबंधन रहेगा तो विधायक तो एक ही लड़ेगा। तो आप किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, मायावती या अखिलेश यादव? अखिलेश यादव को। क्यों, आपको क्या लगता है? क्योंकि बोला तो है कि बुआ जी अगर बनेंगी प्रधानमंत्री तो ज्यादा खुशी होगी। बन जा में बढ़िया बात है। हाँ, जैसे नेताजी चाहे ऐसे ही हम चाहे। ठीक है, आप बताइए आप क्या सोचते हैं सपा और बसपा के गठबंधन के बारे में? बहुत अच्छा है, और ये इसको एक मात देने के लिए अपोजिट पार्टी एक अच्छी है पार्टी, होना भी चाहिए था। आपको क्या लगता है गठबंधन भाजपा को मात दे पाएगा? बिल्कुल दे पाएगा। हाँ, किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? अखिलेश बने, अखिलेश या मायावती कोई भी बने, इससे सेकुलर मिजाज का होना चाहिए। हाँ, सेकुलर जो है बिल्कुल खत्म हो चुका है, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा हो कि जो सेकुलर हो, जो हमारे देश को जो जरूरत है इस टाइम वक्त। आप क्या कहेंगे, सपा और बसपा? बिल्कुल बिगड़ चुका है। वैसे तो कई हर आदमी अपनी जातिगत हिसाब से अपने विचारों को रखता है, लेकिन असलियत में अगर देखा जाए ना तो जो माहौल है वो ठीक नहीं चल रहा है आजकल। आपको क्या लग रहा है, गुंडाराज खत्म नहीं हो रहा है वहाँ? गुंडाराज, वो पार्टी आती है तो दूसरे गुंडों को मरवाती है, दूसरी आएगी तो उसके गुंडों को मरोगे, अपने गुंडों को बचा के रखते हैं। ऐसा नहीं है, गुंडे बरकरार है, वही वही बढ़ जाते हैं। जो पार्टी आएगी अपनी अपोजिट पार्टी का गुंडों को मरा देती है। आपको क्या लगता है जो गठबंधन था पहले महागठबंधन था, वो गठबंधन रह गया क्योंकि उन्होंने कांग्रेस को नहीं जोड़ा अपने साथ? तो क्यों नहीं जोड़ा उन्होंने कांग्रेस को? इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कांग्रेस काफी दिन से डाउन चल रही है उधर, और ये दोनों एसपी और बसपा जो दोनों है ये अच्छा काम करके दिखाती है। ये ने कल बयान दिया कि कांग्रेस का कोई वजूद नहीं, मजबूत नहीं है उत्तर प्रदेश में, तो क्या कहेंगे इस बारे में? हाँ, मजबूती तो नहीं है उनकी, अभी कुछ दिनों से पिछले कुछ जो योजनाएं हैं उनसे कुछ मजबूती पर नहीं है अभी, बट इनकी जो लोकल पार्टी है ये बसपा और सपा, यही दोनों मजबूती में, इन दोनों में से ही आएगा, मेजोरिटी भी नहीं रहेगी अब की बार। हाँ, क्योंकि तब भी प्रधानमंत्री को लेकर इन दोनों के बीच में क्या कोई मतलब कोई कुछ हो सकता है? दोनों को लेकर के तो हाँ हो सकता है, वो बाद में पता लगेगा जब रिजल्ट आएंगे। प्रधानमंत्री के रूप में जो है या तो राहुल गांधी आए, हाँ, या फिर यूपी से कोई आए। आपके मतलब आप तब भी किसे देखना चाहेंगे और क्यों? इसलिए देखना चाहेंगे जो कुछ किया है, जो वायदे किया है बिल्कुल नहीं किए, वही कोई सड़क बिल्कुल टूटी हुई है, एजुकेशन बढ़ी नहीं है, रोजगार मिले नहीं है, सांप्रदायिक माहौल बिगड़ चुका है बुरी तरह से। वैसे तो बस यही हालत है, ये नहीं हम चाहते, हम चाहते हैं कि देश के हित में जो काम करे, समाज के हित में जो काम करे, सेकुलर जो विजाज का आदमी होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। मैडम आप कहाँ से हैं? मैं बिल्कुल रायबरेली का रहने वाला, लखनऊ। लखनऊ तो आप बताइए आप किसको वोट देंगे, गठबंधन को, भाजपा या फिर कांग्रेस? जी देखिए, भाजपा भी अपनी जगह पे बुरा नहीं है, ना कांग्रेस अपनी जगह पे बुरा, पर क्या है जो मोदी जी हैं, मैं उनको नहीं कहता हूँ गलत हैं, मेरी सोच के हिसाब से, बाकी सोचने के लोग अपने अपने तरीके हैं। हाँ, तो मेरी समझ से मोदी जी बुरे नहीं, पर क्या जो कार्यकर्ता लोग हैं वो मतलब काम गलत करके उसको बदनाम करते हैं। 2014 में आपने किससे वोट दिया था, 2019 में किससे उम्मीद है? मैं देखो, मैंने तो उस टाइम सपा को दिया था, जो मतलब और उस कार्यकाल से पहले मुझे शायद मायावती का कार्यकाल मुझे बहुत अच्छा लगा, उस टाइम में मुझे गुंडा राज भ्रष्टाचार जो है ये मुझे समाप्त होते दिखाई दिए। अब
मैं तो सपा को दूंगा, देखो जो दिल की बात है या खुली बात है। आप बल बोलेंगे कहाँ से? आप अलीगढ़। आप बताइए क्या सोचते हैं आप गठबंधन के बारे में? गठबंधन से वैसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। किसको समर्थन देंगे आप 2019 लोकसभा में, और 2014 में आपने किसे समर्थन दिया था? भाजपा। भाजपा। तो आपको क्या लग रहा है यूपी में गुंडा राज खत्म हो रहा है और काम कर रही है योगी सरकार? देखिए कहीं ना कहीं काम भी कर रही है और कहीं कहीं कुछ है। आपको क्या उम्मीद है भाजपा सरकार से? अभी फिलहाल में नहीं। आप बोल रहे 2019 को आप देंगे तो कोई उम्मीद है? देखिए राहुल गांधी को मैं उस जगह नहीं देखना चाहते हम। उस जगह पर नहीं अभी वो कर पाएंगे काम। आपको क्या लगता है राहुल गांधी कार्यभार संभालने के लायक नहीं है प्रधानमंत्री का? सारी चीजें हैं लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कत नहीं है। बोलिए। सॉरी नहीं नहीं बोल सकता मैं। अरे आप बोल रहे थे कुछ, मैं वो बोल रही हूं। नहीं 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 ठीक है। आप कहाँ से? नीतीश तो अच्छा ही था, विकास अच्छा किया था नीतीश कुमार, मगर बीजेपी के साथ गठबंधन करके वो गलत किया है, वो हार जाएगा। अच्छा तो आपको किससे उम्मीद है 2019 लोकसभा चुनाव में? अब तो उम्मीद है जो बिहार के लिए तो लालू जी जीतेगा वहाँ। लालू जी जेल से भी सीट वो बांट रहे हैं, जो टिकट बांट रहे हैं जेल में जाता है, उनका लड़का है सही है, काम करेगा अच्छा लगा, क्योंकि गलती एक बार किया है तो दूसरी बार तो नहीं करेगा, अगर करेगा तो दोबारा फिर बेटा भी जाएगा जेल में, काम अच्छा करेगा तो। आपको क्या लगता है नीतीश कुमार से जो आपको उम्मीदें थी, आपने 2014 में किसको वोट दिया था? उसके उससे तो इतनी उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री की उम्मीद थी उनसे, नीतीश कुमार से। आज 2019 में मगर अब जो है नीतीश कुमार पर। किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना पसंद करेंगे? हम तो राहुल को देंगे वोट इसलिए कि जब से बीजेपी सरकार बनी है वो हिंदू मुस्लिम को बराबर लड़ा रही है, बहुत लड़ाया है, यूपी हो बिहार हो या और कहीं कहीं हो बहुत लड़ाया है। बहुत से हिंदू भाई को बुरा लगेगा कि बीजेपी को वोट क्यों नहीं देना चाहता है, मगर अपने आप को सोचो, नेता कोई नहीं मरता, नेता का बेटा कोई नहीं मरता है, नेता का घर नहीं लूटता है, हमारे जो भाई समाज के गरीब है अमीर हो जो भी हो। गुंडा राज खत्म करने का काम कर रही है यूपी में, यूपी की सरकार भी गुंडा राज खत्म नहीं कर रही। योगी अभी है बोला ये कर दूंगा वो कर दूंगा, कहाँ कुछ किया, वहाँ भी लड़ाई है, कहीं पे किया झगड़ा। तो आपको क्या लग रहा है लालू जो लालू यादव पहले आए थे कितना ज्यादा जो भ्रष्टाचार हो रहा था, आप क्या चाहते हैं कि वो आए? क्योंकि लालू यादव तो अपना घर ही भर रहे हैं, हमें तो दे नहीं रहे हैं जनता को, तब क्या बोलेंगे? लालू के अंदर ये बात था कि अपने खाता भी था, लोगों को भी खिलाता था, ऐसी बात नहीं है कि आपको अब स्वच्छ सरकार नहीं चाहिए, खाने और खिलाने वाली सरकार चाहिए। जो खाएगा और खिलाएगा वही सरकार ने चाहिए भाई, जिसको जो अपना पॉकेट भरेगा, अपना परिवार, अपना जो रिलेशन होता है, जैसे मोदी जी है मेरठ से। मेरठ से क्या सोचते हैं आप गठबंधन के बारे में और किसको समर्थन देते हैं? जी मायावती को देते हैं जी। आपको क्या लगता है कौन बनेगा प्रधानमंत्री? मायावती। तो आप अखिलेश यादव के बारे में क्या सोचते हैं? अखिलेश यादव के साथ ही भी गठबंधन हुआ है तो क्या वो प्रधानमंत्री बनने योग्य नहीं है? बन जाएंगे जी वो भी जी। आपको क्या लग रहा है कौन काम कर रहा है इस टाइम? तो मोदी काम कर रहा है। कल मोदी जी ने बोला कि हम मजबूत हैं और ये लोग मजबूर हैं, तो अब क्या कहेंगे मजबूत और मजबूर कौन है इस वक्त? इस टाइम तो अब मजबूत मोदी है जी और मजबूर। तो आप किसको वोट देंगे 2019 लोकसभा में प्रधानमंत्री के रूप में, किसे देखेंगे? जी अखिलेश यादव को। जी आप बताइए आप कहाँ से? यूपी से। तो आप बताइए आप क्या सोचते हैं गठबंधन के बारे में? गठबंधन का मतलब ये है जब कोई एक अच्छा इंसान होता है तो उसके पीछे सभी बुरे इंसान पड़ जाते हैं। अच्छा आप ये बोलते हैं। वो बात सही है जो योगी ने बयान दिया कि वो लोग अपना अस्तित्व बचाने के लिए आए हैं, ये तो सही है। अगर गठबंधन नहीं होता है तो उनकी सरकार नहीं बनेगी, वो लोग खुद जानते हैं। फ्लैग लगा रखा है, आप मुझे बताएंगे आपने फ्लैग क्यों लगा रखा है यहाँ? मैंने अनाथ बच्चों को डोनेट कराया अभी। हाँ क्या सोचते हैं कि कौन सी सरकार 2014 में आपने किससे वोट दिया था, 2019 में आपको क्या उम्मीदें हैं सरकार से? उम्मीदें तो बहुत थी लेकिन उसने उतना कर नहीं पाया। ठीक है 2019 में किसे देंगे वोट? वोट तो बीजेपी को देंगे। मैम वो उनकी थिंकिंग है। आपको क्या लगता है मात दे पाएंगे भाजपा को और कांग्रेस को वो? मैम वैसे दे पाएंगे। किसे समर्थन करेंगे 2019 लोकसभा चुनाव में? मैम तो बीजेपी को समर्थन देंगे। आपको आपने 2014 में किससे किया था और 2019 में क्या उम्मीदें हैं भाजपा सरकार से? मैम जैसे अभी इन्होंने GST और नोटबंदी करी थी, इससे काफ़ी लोगों की नौकरी गई थी, क्योंकि कंपनी मेरी भी कंपनी में से कम काफ़ी बंदे निकाले गए। तो ये मैम ये जो इन्होंने डिसीजन लिया था मोदी सरकार ने, लेकिन ये उनको ऐसे एक
एक तरफा लागू नहीं करना था, कंपनी के बारे में सोचना था। मैं आपको बताती हूँ कि अभी वर्ल्ड बैंक जो विश्व बैंक है उसने अभी रिपोर्ट जारी करी और उसमें बताया कि ये कदम बहुत अच्छा है क्योंकि इससे जो भी अनौपचारिक काम थे वो औपचारिकता में बदल चुके हैं और जो काम है उससे जीडीपी जो मतलब नेशनल लेवल पर देखा जाए वो उससे ग्रोथ हो रही है। उसके बाद भी आप कहेंगे क्योंकि अब अगर देश के बारे में सोचें या अपना खुद का सेल्फिश होकर सोचेंगे या देश के हित के बारे में सोचेंगे। एक बात बताऊं, जैसे उन जो लोग 30-32 हज़ार रुपये कमा रहे थे और उनकी सडनली नौकरी चली जाए तो उनका घर कैसे चलेगा? मैं खुद समझती हूँ ये बात है, ये तो दरख्वास्त है मोदी जी से, उनको एक मतलब डिसीजन लागू करना चाहिए था। आप निकालो मत बंदों को क्योंकि वो पता नहीं क्या कैसे अपना घर चलाएंगे। तो हमने यूपी की जनता से जाना कि उनके लिए गठबंधन या बीजेपी या कांग्रेस में से वो किसको एक बेहतर विकल्प मानते हैं, इसी के साथ साथ वो 2019 में प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं लोकसभा 2019 के चुनाव में। मैं फिर मिलूंगी देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ, तब तक बने रहे इंडियन टीवी के साथ।